हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू 2023 रॉयल इनफील्ड इलेक्ट्रा वेरिएंट। सॉरी दोस्तों, ये इलेक्ट्रा वेरिएंट नहीं। जब मैंने इस बाइक को पहली बार देखा था तो मैं भी इस बाइक को देखकर कंफ्यूज हो चुका था कि ये बाइक इलेक्ट्रा वेरिएंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बाइक इलेक्ट्रा वेरिएंट नहीं, यह है रॉयल इनफील्ड ब्लड 350 का एक्स मॉडल EFI ऑनएक्स ब्लैक कलर। आज के इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं इस बाइक के 2023 लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस, माइलेज, फीचर्स एंड टॉप स्पीड के बारे में। स्टैंडर्ड वेरिएंट से बाइक आपको सस्ती देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस बाइक के 2023 लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस, माइलेज, फीचर्स एंड टॉप स्पीड के बारे में। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। सबसे पहले आपको इस बाइक की ऑन रोड प्राइस बता दूं तो 182,402 रुपये की आपको बाइक ऑन रोड मिल जाती है जयपुर सिटी के अंदर। जो इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट आपको देखने को मिलता है वो आपको प्रॉपर रेट्रो प्रोफाइल एंड उसमें आपको क्रोम के एलिमेंट देखने को मिल जाते हैं। ये बाइक आपको प्रॉपर ब्लैक कलर के साथ में मिलती है, जिससे इस बाइक का लुक कुछ इस तरीके का निकल कर आता है। स्टार्ट करते हैं इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके के मिरर देखने को मिलते हैं। नॉर्मल सर आपको इस बाइक की दिखा देता हूँ, तो की आपको इस बाइक की सेम मिलने वाली है जो आपको बाकी और ब्लूट 350 के अंदर देखने को मिलती है, इलेक्ट्रा के अंदर देखने को मिलती है, जिसके ऊपर आपको आरी की ब्रांडिंग मिल जाती है। जैसे ही आप इस बाइक की को ऑन करते हो तो फ्रंट में आपको जो हैलोजन हेडलाइट देखने को मिलती है ये ऑन हो जाती है। इसके ऊपर आपको कुछ इस तरीके का कवर देखने को मिलता है स्टील मेटल बॉडी के पार्ट के साथ में। यहाँ पर आपको पार्किंग सिग्नल देखने को मिल जाते हैं। इंजन स्टार्ट होने के बाद में ये जो सिग्नल आपको देखने को मिलते हैं पार्किंग, ये ऑन हो जाते हैं। इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट में हैलोजन इंडिकेटर आपको इस बाइक के अंदर मिलता है नॉन फ्लेक्सिबल। इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। साइड में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। स्पोक व्हील के साथ में आपको वेरिएंट देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में आपको 280 mm के डिस्क, सिंगल चैनल एबीएस एंड 90 इंच के टायर आपको इस बाइक के अंदर मिलते हैं। इसमें आपको ट्यूब वाले टायर देखने को मिलते हैं। एंड इस वाले वेरिएंट में आपको जो स्पोक व्हील का कलर देखने को मिलता है ब्लैक कलर के साथ में, आपको इस बाइक के स्पोक व्हील मिल जाते हैं। साइड में आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिलता है जिसमें आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। एंड इसके इंजन की बात करूँ तो इसमें आपको 346 सीसी का एयर कूल इंजन मिल जाता है जो 19.36 पीएस की पावर जनरेट करता है, 28 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। इसमें आपको जो इंजन का कलर देखने को मिलता है वो स्टील मेटल क्रोम के पार्ट के साथ में मिल जाता है। इसकी साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड में आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, आपको स्टिकर के फॉर्म में मिलती है। एंड स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको जो रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिलती है आपको 3D क्रोम के साथ में मिल जाती है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो इसमें आपको 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। इसके अंदर आपको जो इंजन का कलर देखने को मिलता है इसमें आपको ब्लैक कलर मिल जाता है। स्टील मेटल बॉडी के पार्ट के साथ में आपको इस बाइक का इंजन मिल जाता है। इंजन के ऊपर आपको EFI 350 की ब्रांडिंग मिल जाती है, आरी की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये बाइक आपको किक स्टार्ट ऑप्शन के साथ में मिलती है, इसमें आपको सेल्फ का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। मिलते जुलते प्रोफाइल आपको इस बाइक की इलेक्ट्रा वेरिएंट जैसी मिल जाती है। इलेक्ट्रा वेरिएंट की आपको जो प्रोफाइल देखने को मिलती है इंजन एंड साइलेंसर वो आपको प्रॉपर ब्लैक आउट कलर के साथ में मिल जाता है। ये आपको जो प्रोफाइल देखने को मिलती है आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ में मिल जाती है। इसके माइलेज की बात करूँ तो 35 से 40 कैम्पेल का माइलेज आपको बाइक ईजिली निकाल कर देती है। इसके साइड प्रोफाइल में आपको ब्लड 350 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, आपको स्टिकर के फॉर्म में मिलती है। इस बाइक के अंदर आपको जो सीट देखने को मिलते हैं सिंगल सीट का ऑप्शन आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। इसकी सीट हाइट की बात करूँ तो इसमें आपको 800 mm की सीट हाइट आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाती है। इसके रियर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर विद 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं। 90 इंच के ट्यूब वाले टायर आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। मैं एक बार आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल दिखा देता हूँ, तो रियर में आपको कुछ इस तरीके के ग्रेवरल देखने को मिलते हैं पिलियन के लिए। नीचे की तरफ आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग मिलती है एंड हैलोजन टेल लाइट का सेटअप आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल में मिलता है। हैलोजन नॉन फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल मिलता है। नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको लेडीज फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके का। इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो तो 135 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करो तो नॉर्मल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है, न्यूट्रल की वेजिंग, स्पीड लिमिट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाती है, ABS लाइट, चेक इंजन, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ जैसे फीचर्स आपको इस बाइक मिल जाता है। इसकी टॉप स्पीड की बात करूँ तो 110 किलोमीटर पर आवर्स की टॉप स्पीड आपको इस बाइक की मिल जाती है। इंजन किल स्विच, अब मैं एक बार आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। तो ये था इस बाइक के एक स्मॉल से रिव्यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहें।